अब अनुमान लगाओ कि किस में सिलेक्शन हुआ होगा। सेकंड ग्रेड अभी कोई रिजल्ट ही नहीं है। अच्छा आया था, अभी आया था, ठीक है। सिर्फ अंदाजा लगाना है, देखिए थे अंदाजा लगाओ है। चलो कोई बात नहीं, अंदाजा लगाने में समस्या क्या है पता है? मैं बताऊं, पीछे से ही आवाज आ रही, ठीक। समस्या यह है कि जो हम हासिल नहीं कर सकते उसकी उम्मीद नहीं लगा सकते हम। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दिन के 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं, आप कहोगे अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गए, हाँ हो ही नहीं सकता सर 1 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं कमा सकते तो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे कह दूं कि लोग 7 बजे सो जाते हैं, आपको सोए करे गुरु जी, वो वही बोलेगा जो 12 बजे सोता है। 7 बजे उसको नींद नहीं आ रही, वो सोचता है यार 7 बजे तो खुद ही सो सकता है कोई, क्योंकि आप अपने से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा कभी सोच नहीं सकते। अब आपने अधिकतम सोचा सेकंड ग्रेड या ऐसा ही सोच लिया होगा, अब वो तो माहौल के हिसाब से सोचा है कि गुरुजी ले आए तो माहौल बनाएगा, मतलब है तो कोई ढंगी नौकरी, क्योंकि बाकी तो आप कम नहीं बनावा माहौल। क्यों? उम्र है इनकी मात्र 23 साल। अब एक बार ईमानदारी से हाथ ऊपर करो कि आप में से कितने 23 से ऊपर है, ईमानदारी से। अरे वो 3 ही जना है 23 ऊपर, बिना मतलब बात करो। यानी 21 साल की उम्र में एसआई और आरएस के योग्य बनता है। 21 साल में एसआई का 20 है, आरएस का 21 है। एसआई का भी 21 कर दिया क्या? पहले 20 किया था साई, चलो जो भी है 20 या 21 साल में बनता है। और कोई व्यक्ति 23 साल की उम्र में आरएस जैसा एग्जाम क्लियर करे और उसमें भी वो पोस्ट मिले जो 1 नंबर पे, हाँ आरएस में जो टॉप रहेगा वो एसडीएम बनेगा, फिर थोड़ी जो कम आएगा वो बनेंगे डिप्टी, फिर नीचे आएंगे तो बनेंगे तहसीलदार, और फिर और बहुत विभाग अलग अलग विभागों में भेज देते हैं। इनकी रैंक है 53वीं, झमर मित्तल संगरिया से है, इनके पिताजी भी इनके साथ आए हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ। परिचय दो ही तरीके से होता है किसी व्यक्ति का, पिता का परिचय दो ही तरीके से है, इनके पिताजी या इनके बेटे। अभी जो मैंने बोला वो इनके पिताजी बोला है, अगर ये कुछ ना होते तो इनके बेटे से परिचय देना पड़ता। आज परिचय इनका हुआ है इनकी वजह से, और ये एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात है। आप नौकरी लगोगे, खुश होने वालों में मुख्य रूप से माता पिता ही है, बाकी तो धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि और कितने लोग खुश होते हैं। थोड़ा बहुत सेकंड नंबर मार मास्टर आऊंगा हुआ कभी, चलो मास्टर भी राजी हो जाएगा मारा टाबरिए को सिलेक्शन हो। ये पहले एलडीसी में थे, एलडीसी अभी इनकी ड्यूटी है चूरू के अंदर, एलडीसी 2018 में एलडीसी आई थी, और अपने से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पहले से। अभी जो आरएस का रिजल्ट आया मैंने किसी को कॉल नहीं किया, ना किसी को बुलाया, बाकी ये सत्य है कि पिछले 5 साल में जो भी कॉन्स्टेबल, जो भी एसआई, जो भी आरएस बने हैं वो 99% अपने स्टूडेंट है। वाह वाह कोनी, ठीक है बीच बीच में मेरी बढ़ाई भी करूंगा, आगे भी करूंगा, ये सत्य है। आप ट्रेनिंग सेंटर में चले जाना, किसी कॉन्स्टेबल सेंटर में चले जाना, भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगने के बाद भी व्यक्ति में वैसी विनम्रता रहती नहीं है, जैसे आप एसआई वालों को साथ में बिठा दिया, अभी लगे नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हमें कॉन्स्टेबल के साथ बिठाया जा रहा है, अभी लग गया कौन थे, फिर भी आप में इतना ईगो आ गया कि मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूं इसलिए कॉन्स्टेबल के साथ नहीं बैठू, अलग से बेंच करो। और लगने के बाद कितना ईगो आएगा ये तो सोचो फिर। इसीलिए किसी को बुलाया नहीं कि जो भी आएंगे सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू लेंगे, बुलाएंगे नहीं। मैंने इनको
कल इन्होंने 2-3 दिन पहले इंस्टा पे मैसेज किया था, अब आलसी ताकि इंस्टा का मैसेज 5-5 दिन बाद देखा, क्योंकि इंस्टा पे ज्यादा थारली यूथ है, सब कम में यूथ ज्यादा है। अब यूथ का मैसेज किसा का होगा थानी वेरे थान सारा खोल के दिखाऊं तो अनसंटी ला देगा, का तो कोई रील भेजेगो आपकी, का कोई आपको डायलॉग भेजेगो, ऐ चीजा ज्यादा काम ही कमा। तो संयोग से वो देख रहा था, तो उनके पहले इन्होंने आरएस लगा रखा था, नहीं एसडीएम लगा रखा था, तब ध्यान चला गया। फिर उनका भी आओ आप चूरू से हो तो आइए बच्चों से मुलाकात करें। ये एक सेशन क्यों करवा रहा हूं परिचय, अगर इन्हीं की उम्र अगर थोड़ी ज्यादा होती तो हो सकता है मैं आपसे परिचय नहीं भी कराता, क्योंकि 23 साल में एसडीएम बनना कोई छोटी बात नहीं है, गिने चिने लोग हैं। ऐसा क्या किया इन्होंने कि 23 साल की उम्र में सिलेक्ट हो गए, और वो भी पहले चांस में, पहली बार में। दूसरी बात इनकी है कि मैं, क्योंकि प्री हर कोई पास कर देगा, आप भी कर दोगे, मैं आपसे कहूं ना कि प्री में आप करंट पढ़ लेना, आपका प्री पास हो जाएगा, सिर्फ करंट से थार जसरी कौन क्या बात सत्य है, अगर आप करंट करंट करके आ जाते हो तो बाकी कुछ थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग वगैरह थे आपका पास हो जाएगा। सिलेक्शन प्री से तो होता नहीं, सिलेक्शन किससे होगा, मैन से। मैन के लिए इनको मिले 4 महीने, 4 मिले कि 5, 5 महीने, उससे पहले इन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। यानी मैन के आपको मैं सब्जेक्ट बताऊं, जैसे एथिक्स है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, खेल है, साइकोलॉजी है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कई तो पहली बार सुन रहे कि सर व्हाट इज एथिक्स, और वो सब्जेक्ट तैयार करना वो भी कितना समय, 5 महीने। तो भाई मैंने जानने की कोशिश की भी ऐसा क्या किया आपने कि 5 महीने आपने तैयार करके वो भी रैंक हासिल कर ली 53वीं और आप एसडीएम बन गए सीते। लास्ट निष्कर्ष जो निकला है वो यही निकला है कि सिर्फ एक किताब पढ़ लेना सिलेक्शन चाहिए तो फिर एक जितनी दाई बहनी बिताई पेट पाड़े, कोई भी किताब लेके आओ मैटर एक ही है सब किताब। जिसने एक किताब के पीछे पड़ गया आप देख लेना कोई भी एग्जाम में एक किताब से बाहर मैटर नहीं जाता है, मात्र 10% मैटर जाता है, जबकि आपको 90 तो चाहिए ही नहीं, आपको सिलेक्शन के लिए अधिकतम चाहिए 75%। ऐसे बच्चे देखे हैं रीट में जिनका पहले चांस में सिलेक्शन हो गए, और ऐसे भी मैंने देखे जिनका अध्यापक भर्ती का 8वां 10वां पेपर था फिर भी नहीं हुआ, कारण यो ही पढ़ लूं, सुभाजिया का वीडियो ही देख लूं, प्राणियों का वीडियो ही देख लूं, बिम कोई नई बात ला देगी, नई बात कितनी ला दे, एक। जैसे मैं पढ़ाऊं आपको मेवाड़ का इतिहास, समय लगा मुझे 20 घंटे, फिर लगता है ना कम कराए, कोई दूसरे मास्टर को देखा। अब 20 घंटे में आपने दूसरे टीचर का देखा, बात मिली, नई बात एक मिली। यही वजह है कि स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने, क्योंकि जब पढ़ाई में रुचि हो ना तो व्यक्ति को लगता है ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, जिसके पास एक किताब है उसका तो सिलेक्शन है, वरना भैया पढ़ते रहना। जब एसडीएमओ बड्डी तो थे कर रहे ही नहीं, का कर रहे हो नीचे कर रहे हो, और जितने भी आरएस बने हैं उनसे आप पूछोगे लास्ट निष्कर्ष वो ये पूछते कि हमारे पास समय कहां है, हम लोगे हुए हैं, हमारे पास समय मिलता है 5 महीने का, हम कहां से 5-5 किताबें पढ़ेंगे। भैया आप देखोगे एथिक्स की हजारों किताबें आती हैं, कितनी पढ़ लोगे आप, एक, चाहे किसी के नोट्स ले आना किसी कोचिंग के, और भले ही आप खुद के नोट्स बना लो चाहे एक किताब ले आना। पहली बात काम की आई है बाइयो, गर्ल छुटा लो, बोलो 23 साल में एसडीएम क्या कह रहे, तहसील का राजा होता है एसडीएम, वो भी पीछे एक एसडीएम लगे थे। पुलिस का एक डर होता है व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, बचपन से के लास्ट तक पुलिस की ड्रेस दिखते ही अचानक से कुछ और हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर, भले आपने कुछ किया नहीं होगा लेकिन अचानक से 2 कांस्टेबल आपके घर पे आ जाए, भले ही वो बेचारा कोई और को एड्रेस पूछ ना जाओ, आप अचानक से डर जाओ, किया आपने कुछ नहीं। पुलिस के नाम का एक डर होता है, एक हार्मोन से वो है ही इस प्रकार के सबके अंदर होता है। तो वो एक नए एसडीएम लग गए थे, डर पहले से होता है पुलिस के नाम का, बोल मैं सुबह सुबह उठा, सुबह 2 गाड़ियां आई पी 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 करके घर के आ गई, मैं अचानक से डर गया पुलिस आई, फिर याद आई मैं तो एसडीएम हूं मेरे घर पे आएंगे। अब डिप्टी भी इनके अंडर रहेगा,
कई बार क्या होते हैं, हम रील्स देखते हैं, आजकल के युवाओं को आदत होती है ये जो नए नए जो है हथियार वाले, इनको फॉलो करने की, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं उनको फॉलो करने की, उनको आदर्श मानने की, वो उनकी लाइफ देखते हैं कई बार की, आता है चार गार्ड्स आ गए या लेडर ना लगे, यार क्या लग्जरी लाइफ है, होता है जो 20-22-23-25 साल की उम्र सब में होता है, हो सकता है हमारे अंदर भी रही होगी ये चीज, गुंडागर्दी वाली फीलिंग, लोग मुझसे डरे, ऐसी फीलिंग होती है सबके अंदर। अब वो ये सोच रहा है कि ये मैं करूं मेरा नाम हो जाएगा और मैं भी ऐसी शानो शौकत से रहूंगा। अरे भाई तू थानेदार लग जा, कहीं शादी में जाए सारा कॉन्स्टेबल ले जाइए बुलाई बेड़ा करके, बिंगो ज्यादा रो पड़ेगो, या फिर जकी रील ने थे सोचान फॉलो कर लिया, गुंडा बन जा बंग ज्यादा पड़ेगो भी, आप थानेदार बने ऐसा ही बने, एक थाने के अंदर 50 कॉन्स्टेबल है, क्या उनको नहीं ले जा सकते साथ में? मैं थारा ही कहना मानो, आप 5 महीने की मेहनत में आज डिप्टी भी इनके पीछे ऐसे खड़ा होगा, भले डिप्टी की उम्र 45 ही क्यों ना हो, 50 ही क्यों ना हो, चाहे डिप्टी लास्ट 58 साल का ही क्यों ना, उसे सैल्यूट मारना ही पड़ेगा और डिप्टी भी ऐसे खड़ा होगा। वजह सिर्फ एक ही है, किताबें, किताबों से जो प्रेम करेगा ना उसे वो इतना सम्मान देगी। अब अपराध की लाइन की सोच रहे हो, कहा तो एनकाउंटर हो जाएगो, कहा तो पुलिस सारा चेप देगा थाने, बह नहीं चेपेगा तो साम लो ग्रुप चेप देगा थाने, बात तो बा लाइफ है जबकि थान बड़ी लग्जरी लग रही है, और एक ये लाइफ है जिसके अंदर अच्छा तो अधिकारी, अच्छी गाड़ियां, अच्छा रुतबा और मात्र 1 साल की मेहनत है, तो ज्यादा फायदा कौन सा, ज्यादा फायदा तो मैं तो फिर बिन्ने क्या में जा रहे हो, तो बन क्या फॉलो कर रहे हो है? ये आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप किन्हें फॉलो कर रहे हो। 1 साल की मेहनत, जैसे बिजनेस में आज कर रहा हूं, कई साल हो गए इस लाइन में, 10 साल हो गए, तब जाके मेरे नीचे कुछ लोग काम करना शुरू किया है, ठीक है, 15-20-50-100, ठीक है, इतने ही तुम्हें 1 साल की मेहनत में आपके अंडर कितने लोग काम करेंगे ये सोचो, पूरी तहसील इनके अंडर होगी, पूरी तहसील, पूरी तहसील के अंदर कम से कम 150 कांस्टेबल होते हैं, कितने एलडीसी है, कितने पटवारी हैं, कितने ग्राम सेवक है, जोड़ लो 5 महीने की मेहनत, पूरा हॉस्पिटल पूरा विभाग इन्हीं के अंदर आता है, डॉक्टर वगैरह सारे यही चेक करेगा, पूरे तहसील के जितने नौकरी का, एक तहसील में नौकरी करने वाले कम से कम 500-600 लोग तो होंगे, एलडीसी पटवारी ग्राम सेवक सबको मिलाएंगे, तो वो लोग सिर्फ 5 महीने की मेहनत पे इनके आदेश पे इनके अंडर काम करेगी, अब बताओ फायदा कौन से में? अगर आप इंटेलिजेंट हो तो अच्छी तैयारी, लेकिन ये ध्यान रहे, क्योंकि मैंने इनको इसलिए लाया कि आप पर्सन पूछ सको, बहुत सारा संशय होता है कि पहले आरएस की तैयारी करें या किसी और की तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी करें, 5 महीने में कैसी तैयारी की आपने, इसके लिए ये सेशन रखा गया है, आप पूछ सको, माइक देता हूं, जिसको भी पूछना है बिना संकोच पूछो, कोई शर्म संकारी बात को नहीं, पहली बार रखा गया ये कि आप पूछ सको, आपके प्रश्न सिर्फ आपके नहीं है, वो राजस्थान के हर युवा का प्रश्न है भी, आपके मन में जो प्रश्न उठा आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपके ही उठा है, 15 लाख तैयारी करने वालों के सबके उठता है वो प्रश्न, तो इसलिए आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, जिसे पूरा राजस्थान देखेगा समझना चाहेगा, इसीलिए इनका सेशन रखा गया है। तो ड्यू माइक, पहले तो 2 वचन 2 बाता, हाँ जी नमस्कार सभी को, और कैसे हो सभी? ठीक है, जैसे सर ने मेरा परिचय दे दिया, तो मेरा नाम झमर मित्तल है और मैंने आरएएस में 53वीं रैंक हासिल की है, तो सबसे पहले तो मैं जो तारानगर गुरुकुल है, हमारे सुभाष सारण जी हैं, गुरु हैं, तो इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। तो आज जब इस सेशन के लिए मैं गुरुदेव से मिलने आया, तो मैंने सोचा अभी बच्चों के सामने सेशन होगा, क्या बोलेंगे, इतने सारे बच्चे होंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आंसर दूंगा,
लेकिन मेरे पास तो एक मूल बात एक ही थी कि भाई पढ़ाई करो और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दूसरी बात ही नहीं है कि आप जितनी पढ़ाई करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ जाएंगे। इसमें कोई भी दूसरी तीसरी चौथी बात एक्स्ट्रा मैं ऐड क्या करूं भैया, जो सिलेबस है जो टॉपिक है और उसके लिए जो किताब है, आपने सिलेबस देखा टॉपिक देखा किताब से वो पढ़ लिया तीन चार बार रिवाइज कर लिया पेपर आया उसमें आपने टिक कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, चौथी कोई बात नहीं है इसमें मोटिवेशन वाली है ना। तो पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और जो भी किताबें हैं वो पढ़ो। तो ज्यादा किताब ज्यादा मटेरियल ज्यादा टेलीग्राम पर आपको घूमने की जरूरत होती नहीं है। अब जितने भी मैंने पहले एलडीएस का एग्जाम क्लियर किया, फिर पटवारी का एग्जाम क्लियर किया, उसमें मुझे सेटलमेंट डिपार्टमेंट मिला था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मेरा एसआई का प्री क्लियर हुआ था लेकिन फिजिकल मैं देने नहीं गया था क्योंकि तब हमारा आरएएस मेंस का एग्जाम था, तो एसआई भी क्लियर था फिर आरएएस भी क्लियर हो गया। तो क्या ऐसी बात थी, कुछ तो ऐसा होगा ना कि अपन सोचते हैं कि सर आपके एग्जाम सभी क्लियर हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहे। तो वही बात है कि हमारे अंदर पूर्वाग्रह बहुत सारे हैं, जिसका एक बार भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो उसके मन में पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्या पूर्वाग्रह, कि कोई ना कोई धांधली होती होगी, या जो एग्जाम हम पढ़ते हैं हमारे कोई बुक्स गलत है, या फिर आरपीएससी जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड है ये पेपर पता नहीं किस हिसाब से सेट करता है, तो इस प्रकार के जो पूर्वाग्रह हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। जब भी आपको पढ़ते हैं आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से यह सोच के पढ़ना है कि जो सिलेबस में है अगर मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा सही पढ़ूंगा उसे रिवाइज करूंगा तो मेरे नंबर आएंगे। इसलिए तो हमेशा फ्रेशर्स का सबसे ज्यादा चयन होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है ना पहली तो। और अगर और बात करें तो प्रिंटेड जो मटेरियल है आप उससे ज्यादा पढ़ो, ज्यादा ऑनलाइन में अगर यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको समझ भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, जो पेपर होगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन उसमें क्या अपने को याद नहीं रह पाता। तो पहली बात तो आप प्रिंटेड मटेरियल से ज्यादा पढ़ो, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है उससे पढ़ो। अगर किसी वक्त आपको यूट्यूब पे कोई चीज समझ नहीं आती है देखनी है तो आप देखो पर साथ में एक पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जो भी चीज आपको बताई जा रही है आप उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी चीज आपके दिमाग में टिकती नहीं है। अच्छा मैं एक बार सुभाष सर की वीडियो देख रहा था तो कह रहे थे कि रट्टा मारना जरूरी है, जैसे सर ने बताया था कि आपको बचपन में 2 × 4 = 8 ऐसे बताया हुआ रट्टा मार मार के, तो आपको आज तक याद है, लेकिन जो बातें आज आपने पढ़ी आपको समझ में आ गई आपने रिवाइज नहीं की तो वो आप आगे आने वाले टाइम में भूल जाओगे चाहे आपको कितना बड़ा समझ आया हो। तो रिवाइज करते रहो, रिविजन इज द की है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना है और बहुत ज्यादा मटेरियल के चक्कर में आपको जो है वो नहीं पढ़ना। तो मोटी मोटी बात तो यही है। अब मोटिवेशन के तरीके तो हजारों हैं, आपको चार्ज अप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि आप भी जब लग जाओगे तो आपकी जो खुशी है आपके माता पिता की खुशी है, जो चारों तरफ आपको जो प्रशंसा मिलेगी, आपको चारों तरफ जो मान इज्जत मिलेगा, आपका जो पूरा करियर सेट हो जाएगा, इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई ही की है, बाकी सब बातें की बातें हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो और एग्जाम में सफलता हासिल करो, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। अब मैंने 5 महीने में कुछ पूछते हैं कि सर आरएएस में आरएएस की तैयारी लोग सालों करते रहते हैं, आपने सर 5 महीने में तैयारी कैसे कर ली 5 महीने में, तो कोई इसका सर गुप्त सूत्र नहीं है जो मेरे पास है और आप सबके पास नहीं है। इसका सबसे साधारण और एक ही सूत्र है कि जो जो आपके एग्जाम में जो जो सिलेबस में आपके टॉपिक है उसके लिए आप जो भी निश्चित किताब है वो ले आओ और उसे अधिक से अधिक रिवाइज करो। जो चीज समझ नहीं आती वो अपने गुरुदेव गुरुजनों से पूछो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो साथ में कॉपी पेन लेके, और जो भी टॉपिक है वो कवर करो और आप अपना सिलेक्शन हासिल कर लो। इसमें कोई भी कोई दोहरा सूत्र नहीं है। और आजकल एक बात और देखी जाती है, लोग बहुत सारे संस्थान से जुड़ जाते हैं कि मैं उसका भी पढ़ लूं इसका भी पढ़ लूं उस कोचिंग का भी पढ़ लूं। पहली बात तो ये बता, तुम दिमाग से निकाल दो कि एक कोचिंग ही बढ़िया है, कोई भी कोचिंग से जुड़ जाओ, कोई भी पूरे राजस्थान में जितनी कोचिंग है कोई भी कोचिंग से जुड़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस कोचिंग के ऊपर आपका फेथ कितना है। आप कोई भी एक कोचिंग लो और उस पर पूरा फेथ रखो, जो उसके गुरुजन है उस पर पूरा फेथ रखो और जो भी चीजें पढ़ाई जाती है उसे पढ़ो, क्योंकि कोई भी कुछ भी पढ़ाएगा लेकिन पढ़ाएगा तो सिलेबस का टॉपिक है ना। जो भी आपके पेपर में टॉपिक है, अगर राजस्थान में अगर नदियों का टॉपिक आ गया तो कोई भी टीचर है कोई भी कोचिंग है नदियां तो नदियां रहेगी, वो तो वो की वो रहेगी। तो आप ध्यान से उस टीचर की बात सुनो, उस टीचर पे फेथ रखो, जो भी चीज वो बताता है वो करो, उसे बार बार रिवाइज करो। हालांकि अलग अलग जैसे होते हैं कि आप कोचिंग कई कहते हैं कि मूल बुक से पढ़ो, नोट्स वगैरह रेफर मत करो,
तो ऐसी बात नहीं है। देखो जो सब चीजें बनी है सब स्टूडेंट्स के लिए बनी है, नोट्स भी स्टूडेंट्स के लिए हैं, टेस्ट सीरीज भी स्टूडेंट के लिए हैं। तो आप तो देखो कि मैं किन चीजों में कमजोर हूं, किन चीजों में आप कमजोर हैं, उसके लिए नोट्स पढ़ लो, जो समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब वीडियो देख लो, किसी चीज की रोक नहीं है आपको। आपको तो बस मेन आपको जो दिमाग में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है ये मुझे आज कवर करना है, मुझे आज ये समझ के याद करना है। टॉपिक वाइज अपनी स्टडी को पढ़ते रहो और आपको सफलता मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो ये किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो इतने तीन चार तो बच्चों की क्लास में मैडम ने पूछा, इनके लिए जोरदार तालियां पहली बार। अच्छा आप इनके क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इनका क्वेश्चन था कि सर एग्जाम जो पढ़ते हैं हम हमें याद हो जाता है क्लास में, परंतु जब पेपर का टाइम आता है तब हम उसे भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो ठीक है, सभी के साथ ये समस्याएं तो देखो आती है, एग्जाम ऑन में जाकर कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो अगर आपको समझ आ गया तो आपके कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है। अच्छा रिवीजन भी करते हो तो देखो फिर आपने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज कम लगाई हुई है, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हल कम किए हुए हैं, आपका माइंड अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से सेट हुआ नहीं है, इसलिए आपको हो सकते दिक्कत आती हो। वरना अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ गया नदियों का कि नदियां ये है यहां से गुजरती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, यहां यहां पर त्रिवेणी संगम बना रही है, आपने पूरा याद कर लिया। अब माइंड में कंफ्यूजन कब होती है, जब आप ढंग से रिवाइज नहीं करते, उसे लिख के थोड़ा पढ़ लो ना। जैसे त्रिवेणी संगम में बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां बहुत सारी त्रिवेणी संगम बना रही है, तो हम अक्सर तीन के जोड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी नदी थी। तो इसका उस सूत्र तो क्या, इसका तो बारी बार आप रिवाइज करो, एक चीज को पांच पांच बार दस दस बार बोल के पढ़ लो, फिर भी याद नहीं हो रहा लिख के पढ़ लो, और जब आप कोचिंग टेस्ट के कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वो चीजें आएंगी, तो आप वैसे लर्न कर लो। ऐसे एग्जाम सेंटर में ऐसे कंफ्यूजन वाले कोई बात नहीं होती, अगर आपने ढंग से पढ़ा है रिवाइज किया हुआ तो, है ना। ठीक है ठीक है, सभी शांत हो जाओ। मैडम ने पूछा है कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले हमारे पास जो मैटर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, तो 15-20 दिन में उसे कंपाइल कैसे करके सारा कैसे पढ़े। तो देखो एग्जाम आपको पता तो होता है ये 3-4 महीने पहले कि हमारा एग्जाम इस तारीख को होने वाला है, तो आप जब तैयारी करते हो साल 1.5 साल पहले तो आप नोट्स भी बनाते होगे। तो जब आप नोट्स बना रहे हो और आपको पता है 3-4 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो धीरे धीरे नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप राजस्थान ज्योग्राफी का, और आपको जो जो चीजें उसमें याद नहीं रह रही उसको एक अलग कॉपी में छोटा छोटा नोट और करते रहो। जो चीज याद है वो नोट करने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें नहीं याद आपको वो अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लो, और फिर पेपर के टाइम वो चीजें वापस पढ़ लो। अपने ज्यादातर एग्जाम आ रहे इसके अलावा तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो आपको तो सिर्फ एक बार हल्का हल्का भी अगर आपके दिमाग में रह गया तो आप उसे सही टिक तो कर पाते हो, उतना आप में नॉलेज हो जाती है। तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट से आपको जो एग्जाम के टाइम पर है वो चीजें याद आ जाती है, आपकी कंपाइलेशन भी इजीली हो जाती है। तो इसका तो शॉर्ट नोट से इलाज है। तो बातें आप पूछ लो, मैं फिर बोल दूंगा, रिपीट कर दूंगा। जी 2 महीने भी उसमें क्या मैं पेपर क्लियर हो सकता है? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास जितना कम समय है ना पेपर क्लियर होने के चांस उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल आपका पेपर क्लियर हो सकता है ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपके पास छह तो आप पढ़ते हो चार अच्छा में कॉमर्स संबंधी क्वेश्चन है, तो आपने कोई कोर्स ले रखा है इसके लिए? तो देखो अकेले आप तो नहीं हो ना, सभी के पास इतना ही समय है, 2 महीने का समय रह गया सभी के पास, तो किसी को भी इतना ज्यादा तो इसमें पारंगत कोई भी नहीं होगा। तो आप तो जिससे भी जुड़े हुए हो ये तो उनसे पूछोगी क्या क्या नोट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, उससे रिवाइज करो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। समय तो सभी के पास बराबर ही है, 2 महीने है, सिर्फ आपके पास कम नहीं है। इवन जो चीज हार्ड लगती है वो असल में उतनी ईजी होती है, तो आप तो लग जाओ इसमें 2 महीने खूब तैयारी में।
तो इन सर का क्वेश्चन है कि जो आरएएस बनने का आइडिया है वो आपके पास एलडीसी बनने के बाद आया था या उससे पहले आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे को आरएएस बनने की प्रेरणा कहां से मिली। तो देखो, ट्वेल्थ तक तो मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, तो पता भी नहीं था कि एसडीएम है या आरएएस क्या होता है। तो पहले तो एक पता था कि 11,000 पदों पर बड़ी भर्ती आई है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, एलडीसी की तैयारी कर लेते हैं। तो एलडीसी की तैयारी मैंने संगरिया लोकल से की और जब मैं जयपुर पोस्टेड हुआ तब मैंने देखा कि अधिकारी हैं वहां पर, वहां पे डायरेक्टर सर थे, आईएएस थे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर हायरार्की में होते हैं। तो उनको देखा कि उन्होंने क्या पढ़ा बीएसएबी, हम काम कर रहे हैं और वो आराम से चेयर पर बैठे हैं और साइन कर रहे हैं सिर्फ। तो पता लगा कि आरपीएससी का आरएएस एग्जाम होता है या यूपीएससी आईएएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये आपको पता होता है हमेशा कि मेरे में पोटेंशियल है क्या नहीं है, आपको ये बात हमेशा पता होती है कि हाँ मैं इतना पढ़ सकता हूँ। वैसे भी आप 10th है 12th है करके आए हो, आपको इतना तो पता ही होता है कि मेरे में माइंड है मैं आरएएस निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा। तो एलडीसी के बाद में मुझे पता लगा जब मैंने अधिकारियों को देखा कि आरएएस नाम का एग्जाम होता है, इसमें ये पोस्ट होती है, अलग अलग विभाग के अधिकारी बन सकते हैं। तो एलडीसी के बाद में मेरे मन में आरएएस बनने पाए। ने इंटरव्यू के बारे में पूछा क्योंकि एसआई में जो आपका सेकंड थर्ड फेज होता है वो इंटरव्यू का होता है ना। तो सर कह रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए या कितना बोलना चाहिए। तो इंटरव्यू में जितना पूछा उतना बोलना चाहिए ज्यादा, तो है ना। ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, जितना पूछा आप उतना बोलिए। जैसे कोई भी चीज है अगर फैक्चुअल पूछी है तो आप उस फैक्ट का आंसर दें, अगर आपको नहीं आता तो आराम से सॉरी कह दें। इंटरव्यू में तो सबसे जो मेन चीज है वो आपका सहज भाव है कि आप में सहजता कितनी रहती है। इंटरव्यू अक्सर हम कहते हैं कि ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्हें पता है आपको नहीं आते, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परंतु वो इस परिस्थिति में चेक करते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपके बस की नहीं है तो उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हो। तो वो हर चीज में आपका रिएक्शन देखते हैं, आपका आंसर नहीं देखते, आप घबराते हो नहीं घबराते, ये चीजें ज्यादा वैल्यू रखती है। तो आप कितना लंबा उत्तर दें या कितना छोटा उत्तर दें, इसके अलावा एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप कितने सहज भाव से उत्तर दें, वो मायने रखते हैं। जी। सर, जैसा कि सर ने बताया है कि मात्र 5 महीने की तैयारी से आप आरएएस बन गए, तो सर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी बंदा 5 महीने की तैयारी से आरएएस बन गए? विश्वास करें। जब हम अलग अलग कोचिंगों में भटकते रहते हैं 2 महीने तो ये सोचने में लगा देते हैं कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग बुरी है, किसके नोट्स अच्छे हैं, किसके बुरे हैं, तो आप अपना लंबे समय तो इसी में निकाल देते हैं। आप तो अपना एक गुरु धारण कर लें कि मैं तो इस कोचिंग, गुरु का मतलब संस्थान, कि मैं इस संस्थान से पढ़ूंगा। उसके बाद वो संस्थान में आपको गुरुजन जो भी बताते हैं उसको फॉलो करें। टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल बंटा होता है कि इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट है, इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट है, तो उसका देते रहें। अब वो कोचिंग वालों की जिम्मेदारी हो जाती है जब कोचिंग में आप होते हो कि 5 महीने वो कैसे सिलेबस को इनकलकेट करते हैं, 5 महीने वो कैसे पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करवाते हैं, ये कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है। आपका काम तो सिर्फ पढ़ना होता है। तो एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन करें, क्लास में जाएं और उनके नोट्स बनाएं और टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं 5 महीने में कर सकता हूं तो होता है, तभी तो कर सकता हूं, तो हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, मैं तो चर्चा करता रहूंगा, दोबारा मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, बधाई हो आपके लिए। ठीक है साहब, हाँ शायरी प्रोग्राम में, हाँ ठीक है।